ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाणी ग्रहण महोत्सव एक बहाना है गुजरात आने का। दिल करता है कि नर्मदा का तट जहां भी हो, कहते हैं सारी नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और गंगा को दर्शन मात्र से गंगा नदी का दर्शन मात्र से पाप क्षय हो जाता है, लेकिन नर्मदा नदी को स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा पुराण कहता है। उसके साथ साथ अगर पुण्य क्षेत्रों का संचय हो नर्मदा के किनारे तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि वहां मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से जहां भी जाता हूं साधनात्मक दृष्टि से देखता हूं कि हाँ किसने कौन सी साधना की और इसे उस विशेषता को क्यों प्राप्त किया गया। जब मैंने वशिष्ठ जी से पहली बार पूछा कि भाई इस बार हम जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पहली बार तो ये समझ रहा था कि एक बार गुजरात में ही, दो तीन लोगों ने बहुत आग्रह किया था, उस्मानाबाद लोगों ने भी कि जन्मदिन वहां मनाएंगे, आश्रम के वासियों ने भी बनाया था, यहाँ कल चार्जी साहब आने वाले हैं उन्होंने भी कहा था गुरु जी हैदराबाद में गुरु जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन वशिष्ठ जी का एक चमत्कार वो कभी कभी चमत्कार कर जाते हैं कि क्या उन्होंने कहा कि गुरु जी व्यासेश्वर मंदिर और श्री अनुसुईया माता का आश्रम है नर्मदा के किनारे और नदी के मध्य में व्यासेश्वर मंदिर है, कहते हैं कि वो उसका दर्शनीय स्थान है, इस बार आपका जन्मदिन और पाणी ग्रहण महोत्सव में वहां जाना है। अब बात ऐसी है कि जब व्यासेश्वर मंदिर का नाम लिया जाए और अत्रि अनुसुईया माता का नाम लिया जाए और सौभाग्य सुंदरी देवी का नाम लिया जाए तो ऐसा कोई कुचित आदमी होगा जो साधनात्मक दृष्टि से न देखा हो या उसके पास जाने की इच्छा न करता हो, क्योंकि अगर हम पूरे भारतवर्ष में कहीं देखें तो सौभाग्य सुंदरी का मंदिर केवल नर्मदा के किनारे यही गुजरात में है, संसार में कहीं भी नहीं है। और इस सौभाग्य सुंदरी मंदिर की विशेषता क्या है ये मैं बाद में बतलाता हूँ आपको, क्योंकि इसके बारे में हम कल यहाँ जाने वाले हैं। जब उन्होंने ये बात ली तो मैंने पाणीग्रहण महोत्सव या जन्मदिन महोत्सव क्यों ना हो, चलो हम ये मंदिर को देखने के तो है, अब पासा फेंका ही है वशिष्ठ जी ने तो हम उसमें फंस गए, एक मानव में बस गुजरात आने का निश्चय कर लिया है कि हम गुजरात आएंगे ही आएंगे, अब उनको ये अगर अटकल मालूम हो गई तो अगली बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए पहले ही मैं बहुत ही होशियारी के साथ काम करता हूँ, उनको ऐसा पासा फेंकने नहीं देता। अब ये पासा क्या करता हूँ, जाके मनु भाई के हाथ में रख देता हूँ, क्योंकि वो रहे अवधूत ले जाएंगे कहीं स्मशान में, कोई आएंगे नहीं, दोनों तीनों रह जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब इनके साथ रहे तो संसारी बात करेंगे, ये अब संसारी बात करेंगे तो हम सब एक जगह अलग होगी, ये साधनाएं अलग है, तो इस बार वशिष्ठ जी को चांस नहीं आने दूंगा, लेकिन वो कभी कभी करते हैं, वैसे मथुरा वासी है, प्रेम ज्यादा है उनमें। तो बात ये चल रही थी कि उन्होंने कहा था कि व्यासेश्वर मंदिर नर्मदा के किनारे और उसके साथ साथ प्रभा देवी का मंदिर, सौभाग्य सुंदरी देवी का मंदिर और उसी तरह अत्रि अनुसुईया माता का आश्रम। अब मैं ये ढूंढने लगा कि ये सब इकट्ठा एक ही जगह कैसे क्या हुए, सौभाग्य सुंदरी तो केवल श्री इंद्र की देवता है, इसकी साधना केवल सती, जितने भी सती गए हैं उन लोगों ने इनकी साधना की है और वो भी सुंदरता के लिए, और ये श्री इंद्र की देवता कहलाई जाती है। श्री इंद्र का एक कोण है जो ईशान्य कोण कहलाया जाता है, उस ईशान्य कोण में सौभाग्य सुंदरी देवता है और इसकी आराधना स्वयं शिव ने, स्वयं शिव जी ने, पार्वती माता ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने, उसी तरह जितने भी सतियां हुई है उन सभी ने इस सौभाग्य सुंदरी की साधना की। और यही बात हुआ भगवान व्यास महर्षि के बारे में। व्यास महर्षि जब सत्यवती के आग्रह पर विचित्र वीर्य को संतान नहीं हो रही थी तो सत्यवती ने कहा कि अम्बा अम्बालिका को संतान नहीं है, विचित्र वीर्य उनसे नहीं रहा है, गंगा की संतानें जितनी भी हुई विष्णु पितामह हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो नहीं करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, सौभाग्य वंश कैसा पड़ेगा। उस कुल के वृद्धि के लिए व्यास महर्षि ने अम्बा अम्बालिका को आशीर्वाद दिया और कुरु वंश और पांडव वंश की वृद्धि हुई।
लेकिन महर्षि व्यास को लगा कि मैं इतना सब करने पर भी अगर मेरी शादी नहीं हुई, मुझे पुत्र नहीं हुआ, तो मैं आगे कैसा करूं? आगे हमारा वंश नहीं बढ़ा तो ऋषियों के वंश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी भी शादी होनी चाहिए और मुझे भी पुत्र होना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन तभी तक व्यास महर्षि पुराणों के वेद व्यास होने के कारण बहुत वृद्ध हो चले थे। बाद में उन्होंने महर्षि कपिल मुनि के आश्रम गए और उनके पास वहां जो ऋषि थी उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था पिंगला। उन्होंने जाकर व्यास महर्षि ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं और तुम्हारी बेटी पिंगला से विवाह करना चाहता हूं, ऐसा महर्षि व्यास ने कहा। पहले उस महर्षि को लगा कि ये तो वृद्ध हो चले हैं, लेकिन जब मांगे हैं तो अगर इनके कुप भजन होंगे तो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी को पिंगला को व्यास महर्षि को दे दिया और विवाह संपन्न हुआ। महर्षि वेद व्यास जिनका नाम मात्र लेने से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है, जिनका स्मरण करने मात्र से वो ज्ञान के श्रेष्ठ श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम ऋषि कहलाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाराणस्याम पूर्वे भागे व्यास नारायणो नाम देवता, तस्य स्मरण मात्र न अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। उनका स्मरण करने मात्र से अज्ञानी भी ज्ञानवान होता है। ऐसे महर्षि व्यास जो काशी में निवास करते थे, मुझे लगा कि वे नर्मदा के तीर में ये गुजरात में क्यों आए। बाद में पता चला कि पिंगला से शादी हुई और उन्हें इच्छा हुई कि एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो। वे तपस्या के माध्यम से नर्मदा के किनारे आए और उन्हें पता चला कि सौभाग्य सुंदरी का मंदिर नर्मदा के किनारे है और जो सुंदरता यौवन और तपस्या के युक्त शरीर बनाने वाली और कायाकल्प करने वाली देवी कहलाई जाती है और उनकी आराधना श्रेष्ठ रीति से की जाए तो संतान प्राप्ति होगी। वे अपनी पत्नी के साथ नर्मदा के किनारे आए, निष्ठा के साथ उन्होंने साधना की और उन्होंने कहा, हे सौभाग्य सुंदरी देवी, मुझे एक ऐसे संतान दो, मैं तो ज्ञानवान हो ही हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्ञानवान हो, सारा संसार उसकी प्रशंसा कर सके, ऐसे संतान मुझे प्रदान करो। ऐसा व्यास महर्षि ने और पिंगला माता ने प्रार्थना की सौभाग्य सुंदरी देवी को। उन्होंने जो आराधना की, जो साधना की, आज तक रहस्य है कि उन्होंने सौभाग्य सुंदरी देवी की किस तरह की साधना की जो उनको बुढ़ापा नहीं आया और उस बुढ़ापे में भी उनको संतान हुई और वो संतान किस तरह हुई। व्यास महर्षि रोज सौभाग्य सुंदरी देवी के पास जाते, इंद्र की आराधना करते, इंद्र के विशिष्ट मंत्र से उसकी एक विशिष्ट कवच है सौभाग्य सुंदरी का, आज तक रहस्यमय रहा। उस कवच को कोई नहीं जानते कि उस कवच को यहाँ उन्होंने पढ़ा और उसके कवच के पढ़ने मात्र से व्यास महर्षि को सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि तुम नर्मदा में स्नान करके आ जाओ और इस कवच का पाठ मेरे सामने करो। कमल के फूल या कनेर के फूल या सफेद फूल, इसमें से कोई भी फूल तुम 108 मेरे इस कवच के साथ मेरे अगर यंत्र पर चढ़ाते हो पूजा करके, तो मैं तुम्हें ऐसे वरदान देती हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और जो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहलाएगा। व्यास महर्षि तो अपनी इच्छा व्यक्त करके भी उन्होंने फूलों का अर्पण किया, पिंगला देवी ने भी बैठे बैठे आचरण की। बाद में बात ऐसी हुई कि माता पार्वती और शिव जी दोनों भी, आपको सभी कथाएं अमर कथा सुनाने के लिए वे अमरनाथ की गुफा में चले गए और शिव जी ने अमरनाथ की कथा माता पार्वती को सुनाने की बात कही। देखा माता पार्वती के पास कि कोई नहीं है, उन्होंने वहां कहा कि साथ में गणेश नाग शेषनाग और नंदीश्वर अपने चंद्र इन सभी को छोड़ते हुए आए, जिसके बारे में आपको पता है वहां क्या क्या कहा जाता है। जहां माता और शिव जी दोनों ही अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, जहां वे आए और शिवजी सुनाना चाहते थे, लेकिन तब तक एक हुआ कि व्यास महर्षि तपस्या में लीन कुछ सोच रहे थे तो ब्रह्मा के पास बैठी हुई सरस्वती माता के पास एक तोता, हर बार माता सरस्वती जो कहती थी वही बातें कहते हुए माता की वीणा वादन को सुनता था।
उस तोता वो उड़कर व्यास महर्षि भी मानस पुत्र रहने के कारण ब्रह्मा के उन्होंने जैसा ही याद किया तो वो तोता आया। वो तोते को कुछ कहना चाहते थे लेकिन तोता उतने में उड़ गया। उड़कर जब जा रहा था तो उसे पता चला कि माँ प्रभु शिवजी माताजी को अमर कथा सुना रहे हैं। तो उसने एक बिल देखकर उस गुफा में जाकर छुप गया और बैठ गया। छुप जाकर बैठ गया तो अमर कथा शिवजी सुनाने लगे। माता पार्वती हाँ हाँ जैसा कहानी सुनते समय हम कहते हैं वैसा हुंकार भर रही। लेकिन थोड़ी देर में ही माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। अब तोता जो बैठा हुआ था वो पहले सरस्वती जी माता के पास था, बहुत विद्वान था। उसने देखा कि अगर माँ माता पार्वती हुंकार नहीं भरती है तो शिवजी इस कथा को बीच में छोड़ देंगे। तब तोते ने हुंकार भरना शुरू किया, हूं हूं कहने लगा। तो शिवजी तो अपनी कथा सुनाने लगे और वो सुनते सुनते क्या हुआ, देखा कि सहलाते सहलाते माता पार्वती ने सर झुका दिया है लेकिन फिर भी हुंकार की ध्वनि आ रही है। शिवजी को तब लगा मैं यहाँ कोई नहीं है, मैं क्या हुंकार कौन भर रहा है। तब उन्होंने देखा कि तोता हुंकार भर रहा है। शिवजी ने देखा कि इसने अमर कथा सुन ली, अब तो ये बड़ी बात गलत हो गई, मैं इसे सुना नहीं चाह रहा था। उन्होंने जैसा ही त्रिशूल उठाया भस्म करने के लिए उठे तो तोता वहां से भाग खड़ा हुआ। भागा भागा इतनी जोर से भागता गया, शिवजी त्रिशूल लेकर भागते हुए आए तो उस समय व्यास महर्षि, क्योंकि व्यास महर्षि ने बुलाया था तोते को उस माता सरस्वती माता के पास, वे भागते हुए आए तो माता पिंगला अपना मुंह खोलकर सोई हुई थी। अब उन्होंने कहा कि जो बिल में छुपा हुआ था सबसे अच्छी जगह है कि माता के मुंह में चले जाए। पिंगला के व्यास महर्षि के पिंगला की व्यास महर्षि की पत्नी थी, पिंगला के मुंह में चले गए और गर्भ में जाकर बैठ गए। अब शिवजी भागते हुए आए, देखते क्या है कि स्त्री हत्या पाप है, ये तो जाके उसके पेट में बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या है, व्यास महर्षि ने कहा प्रभु आप किस लिए आए हैं। तो उसने कहा ये व्यास तूने वो तोते को बुलाया, वो तोता तेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है, अब देख मैं उस तोते को मारना है तो तेरी पत्नी को मारना होगा, अब कैसे होगा। व्यास भगवान ने कहा प्रभु मैं अभी सौभाग्य सुंदरी की व्रत करके उनसे वचन दिया हूँ मुझे योग्य और ज्ञानवान पुत्र प्राप्त हो। प्रभु आप ही बताइए, ये भी सौभाग्य सुंदरी का नाम प्रभु ईश्वर ने सुना। उन्होंने कहा मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे वचन दिया है कि मुझे ज्ञानवान पुत्र होगा। और त्रिशूल खड़े हुए शिवजी ने कहा कि हे व्यास तूने जब ये बात कही है तो मैं भी चाहता हूँ कि तुझे योग्यवान पुत्र हो जो ज्ञानवान हो और इस संसार में उस ज्ञान को जो लुप्त होते जा रहा है उसको दें। तो प्रभु आप शांत हो जाइए और कहिए कि मुझे प्रसन्न हुए। तो शिवजी ने कहा हाँ मैं प्रसन्न हुआ, तो मेरी आपकी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि आप लिंग रूप धारण करके यहाँ विराजमान हो जाइए और व्यास के प्रतिष्ठित वो व्यासेश्वर कहलाए जो अपने सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की देवी के कुछ ही दूर पर व्यास जी के कहने पर व्यासेश्वर मंदिर की स्थापना हुई और वहाँ व्यास जी अपनी आराधना करने लगे। तो जैसे कहते हैं कि 9 महीने में पुत्र बाहर आता है, अब व्यास महर्षि ईश्वर को वहाँ स्थापन करने से पेट में बैठा हुआ शुक्र का मतलब है तोता बाहर नहीं आ रहा था। ये साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब चिंता लगी व्यास महर्षि को। अरे बोले भाई तू क्या गर्भ धारण करके अंदर बैठा हुआ, बाहर तो आ जा। बोले तूने ईश्वर की स्थापना की, मैं बाहर आऊंगा तो मार देंगे, वो मेरे पे गुस्से पे है, अमरनाथ क्या अमर कथा मैं सुन चुका हूँ। तब उन्होंने कहा तूने जब अमर कथा सुनी है तो तू मरेगा तो नहीं ना, तो बाहर आ जा, मरेगा नहीं तो शिव जी के कोप का भाजन तो बनूंगा। तो उन्होंने कहा ये वचन मैं ले लेता हूँ। बोले ऐसा वचन नहीं लेने का, मैं उन आपके माँ पत्नी के पेट में बैठा हुआ हूँ, उनके मुख से ये कहला देना कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू बाहर आ जा, मैं जब बाहर आता हूँ। अब ये बात व्यासेश्वर भगवान के पास भगवान गए और ईश्वर से कहा कि वो तोता बाहर नहीं आ रहा है प्रभु, 3 साल हो गए मेरी पत्नी के पेट में बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, वो पुत्र के रूप में बाहर आना चाहिए। तो ईश्वर ने कहा वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो आप आने के बाद उसको भस्म नहीं करेंगे, इसका आशीर्वाद दो। शिवजी ने कहा कि मेरे ऊपर जो श्रीखंड चढ़ाएगा उस श्रीखंड को श्रीखंड के साथ अभिषेक करेगा मेरा, जो श्रीखंड को चढ़ा देकर उसको प्रसाद के रूप में तेरी पत्नी को खिला ले उसे पुत्र होगा और वही योग्य होगा, उसको कोई मारने वाला नहीं होगा, उसका कायाकल्प हो जाएगा और सुंदर और बहुत सुंदर पुत्र तुझे प्राप्त होगा। उसने श्रीखंड के साथ अभिषेक की शिवजी का, उनके ऊपर पिटु पत्र चढ़ाया और पिंगला देवी को श्रीखंड खिलाने के लिए दे दिया। दे देते ही ऐसा पुत्र उत्पन्न
हुआ, जो पैदा होते ही योग्य 4 साल का वेद पढ़ने वाला सुखदेव जी उत्पन्न हुए और वे वहीं से चलते चलते नजर आए। वो चलते हुए जा रहे थे, वशिष्ठ जी उनके पीछे भाग गए। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले तुम मोह माया संसार में पड़े हुए हो, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैंने तो अमरनाथ कथा सुनी, अमर कथा सुनी है, मैं तो तुम्हारी विद्या को देखते हुए। अरे भाई तो सुन, मैं पुत्र वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुझे चाहा था, वंश की वृद्धि तो यूं ही हो जाएगी, मैं जहाँ पे मैं मरता ही नहीं हूँ तो तुम्हें वंश वृद्धि की क्या जरूरत है? उनको वंश वृद्धि की जरूरत है जो मर जाता है, मर रहे तो अपने पिता को कौन देखेगा, इसके बारे में चिंता होती है। मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए जिंदा ही हूँ, तो और वंश वृद्धि का वंश तो तुम्हारा खड़ा ही है, अभी तुम क्या चाहते? अमर रहोगे? अमर तो हो ही गया। ये बात सुनकर व्यास जी को लगा कि अमर पुत्र को मैंने प्राप्त किया, सच बात है, वंश वृद्धि कहाँ की? लेकिन भाई तू संन्यास लेके ऐसा योगी बनकर मत जा, अब आप इस बात को मुझे छोड़ दो, मैं एक तो माता सरस्वती के पास विद्या सिखाऊं, दूसरी अमर कथा शिवजी से सुनाऊं, और इतने 3 साल रहकर माता पिंगला के मुख से आपके पुराणों को सुनाऊं। अब इतना विद्वान आदमी अगर माया में फंसता है तो फिर मतलब क्या रहा आपको और मेरा? मुझे जाने दो। और वे वहां से सुखदेव जी चले। इस तरह यहाँ के व्यासेश्वर की कथा और सौभाग्य सुंदर की कथा बनती है। ऐसे व्यासेश्वर को जो 108 किलो पत्थर चढ़ाते हुए इस श्रीखंड का श्रीखंड शिवलिंग को लगाकर, जो उसका प्रसाद खाते, पूरे शिवलिंग पर श्रीखंड लगाकर अभिषेक करते हुए उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में कायाकल्प होते हुए एक तो पुत्र तो प्राप्त होता ही होता है, उसका शरीर का कायाकल्प होते हुए वो साधनात्मक दृष्टि से व्यास के बराबर का, व्यास महर्षि के बराबर का हो जाता है। और व्यास महर्षि ने तब शिव जी से एक वर मांगा था, प्रभु आज तक मेरा मंत्र नहीं बना, मैंने सौभाग्य सुंदरी माता की आराधना की है, तो आज मैं जो मेरा ज्ञान है आने वाली पीढ़ी भी इस ज्ञान को कर सके, आप ऐसा आशीर्वाद दो। तो व्यास महर्षि का यंत्र और व्यास महर्षि का मंत्र पहली बार इस व्यासेश्वर मंदिर में सुखदेव जी ने बताया था कि पिताजी मैं आपको कहता हूँ, जो भी आपका यंत्र करते हुए इस मंत्र को करता है वह आपके पुत्र के समान होते हुए ज्ञानवान कहलाएगा, जिस यंत्र की आराधना करेगा और जो इस मंत्र को 8000 केवल 8000 जप करता है वह इस संसार में ज्ञानवान वाचस्पति कहलाएगा। जिसको बात करने के लिए डर आता है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उसको ज्ञान सारे 18 पुराणों का और वेदों का ज्ञान हो जाएगा। उसने ये बात ईश्वर जी प्रभु ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया और वैसे ही सौभाग्य सुंदरी देवी ने भी आशीर्वाद दिया। मैं चाहता था कि वशिष्ठ जी के इस संकल्प में अगर हम कल के दिन व्यासेश्वर मंदिर जाते हैं तो वहाँ उस व्यास यंत्र का निर्माण करते हुए सभी लोग मिलकर, अगर हम 80 लोग हैं तो एक एक माला भी करते हैं तो 8000 मंत्र तो हो ही जाएगा, सभी को उसका ज्ञान हो ही जाएगा। उसका हवन करते हैं तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, उसका भस्म लेते हैं तो हम ज्ञानवान तो बन ही जाएंगे। क्यों ना इस संधि का, इस विशेष पर्व का लाभ ना उठाएं। अब ये यहाँ के साधकों पर और वशिष्ठ जी पर छोड़ता हूँ कि क्या इसका लाभ हम उठाएं, कल हम ये साधना करें या ना करें, ये आपके ऊपर आधारित है। इसके बाद विशेष बात ये रही कि मैंने ये विचार किया कि यहाँ महर्षि अत्रि और महासती अनुसुईया माता यहाँ कैसे आए, तो खर्दम ऋषि की बेटी अनुसुईया माता यहाँ उस समय आई जब उनकी शादी नहीं हुई थी, अतिलोक सुंदरी थी, उन्होंने पहले से ही श्री यंत्र की साधना की थी और सौभाग्य सुंदर की आराधना में तल्लीन थी। जब महर्षि अत्रि को पता चला कि सौंदर्यवती कर्दम ऋषि की पुत्री सौभाग्य सुंदरी की साधना करते हुए अतिलोक सुंदरी है, तो उसकी उसके साथ शादी कर लिया और वे यहाँ आए और सौभाग्य सुंदरी के मंदिर में उन्होंने माथा टेका और कहा कि मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र अत्रि अनुसुईया से शादी करना चाहता हूँ। तब सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि तपस्या के माध्यम से तुम्हारा शरीर कृश हो गया है, तुम तपस्या से अपने शरीर को बहुत ही दुबला पतला बना लिए हो, शरीर कृश हो गया है, पहले तुम तुम्हारा कायाकल्प कर लो ताकि तुम अनुसुईया माता के साथ, अनुसुईया जी के साथ शादी कर सके, ये योग्य बनो। तब वे वहां बैठे कि उनको ये पता नहीं चला अत्रि महर्षि को सौभाग्य सुंदरी की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, लेकिन उस साधना करने के लिए उसी समय अनुसुईया जी वहां आई और वो अपने फूलों के माध्यम से उस कवच को पढ़ते हुए सौभाग्य सुंदरी की साधना कर रही थी। जब उन्होंने अत्रि महर्षि को देखा, सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि हे अनुसुईया, ये तेरे पतिदेव है, तू इनसे शादी कर ले।
और यह वही स्थान है जहां अत्रि महर्षि और अनुसुईया माता की शादी हुई और इस कल्याणकारक सौभाग्य सुंदरी देवी को जहां अत्रि महर्षि और अनुसुईया माता ने माता की शादी हुई और सौभाग्य सुंदरी देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस संसार में अपने को उतने उज्ज्वलतम संतान को दिया जो महर्षि दुर्वासा स्वयं भगवान चंद्र और दत्तात्रेय जी कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पुत्र। इन सभी की कथा तो आपको पता है, आगे क्या हुआ मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यह वह स्थान है जहाँ सौभाग्य सुंदरी की पूजा अनुसुईया माता ने करते हुए उस साधना को करते हुए उस वर को प्राप्त किया था जो संसार में दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे व्यास महर्षि को शुभदेव, तो माता अत्रि अनुसुईया के पुत्र में आपको आपने गर्भ में देखा कौन कौन प्राप्त हुए, दुर्वासा महामुनि चंद्र और दत्तात्रेय आप जानते ही। तो ऐसे दिव्य नर्मदा नदी के किनारे जब यहाँ बैठ के ये साधना हम संपन्न कर रहे हैं, तो इस सौभाग्य सुंदरी की देवी के लिए अगर जो कोई भी 108 कनेर के पुष्प या सफेद सुगंधित पुष्प या जो 108 लवंग उस कवच के साथ सौभाग्य सुंदरी देवी के श्री यंत्र पर चढ़ाता है तो संसार का सबसे धन मनुष्य कहलाता है, सबसे धनवान होता है, उसको धन की कभी कभी कमी नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया है। लेकिन इस साधना को कोई नहीं जानता कि सौभाग्य सुंदरी की देवी श्री यंत्र की ईशान्य कोण की देवी है और उसको उसकी आराधना उसका ध्यान क्या है, उसका वह कवच क्या है जो व्यास महर्षि ने कहा था, उस कवच को मैं लेकर यहाँ आया हूँ। अब ये आप निर्णय करें कि कम हम एक छोटी सी साधना जिसको लवंग चढ़ाने मात्र से उस कवच को बोलते हैं आदमी धनवान बनता है, फूलों को चढ़ाने से आदमी उसका सौंदर्यता को प्राप्त करता है, कायाकल्प होता है, बूढ़ा नहीं होता और उसके सारे रोगों का निवारण होता है, काली मिर्च के चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है और इससे ज्यादा सुगंधित द्रव्य समर्पण करने से सौभाग्य सुंदरी को उस कवच को पढ़ते हुए इस संसार का जितने दिन भी जीता है इस भूलोक में राजा बनकर जीता है, चक्रवर्ती को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। तो हम अगर सौभाग्य सुंदरी देवी के कल उस देवी मंदिर में जा रहे हैं तो क्या यह साधना करेंगे या नहीं करेंगे, आप साधकों पर और वशिष्ठ जी पर निर्भर है। अब आगे का कथा आप। इसके बाद तीसरी बात यह है कि वृषभानुपुत्री राधा देवी को कहा गया है, राधा देवी कृष्णवान पुत्री कहा गया है और राधा एक कृष्णवान पुत्री थी और उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। अब ये गोलोकवास में दोनों जन्म लेते समय पहले ही प्रेम करते थे ये तो सभी को पता है और राधा की शादी भी हो गई थी ये भी पता है, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम करती थी। गोलोक में गोकुल में या वृंदावन में या वृषभानपुर में जब ये पता चला कि राधा कृष्ण से छुपके से प्यार करती है तो माता सास ससुर और सभी लोग गोपियां जितनी थी वो तो कहती थी कि कृष्ण के साथ प्यार तुम अकेली करती हो, हम सब लोगों ने क्या किया, थोड़े लोग उसके उसके प्यार में रखे और थोड़े लोग उसकी निंदा भी करते थे। बात ऐसी होगी कि राधा को सभी लोग चिढ़ाने लगे कि तू पतिव्रता ही नहीं, तो शादी हुई और तू दूसरे परपुरुष के साथ कृष्ण के साथ प्रेम करके तू पतिव्रता ही नहीं है, राधा को कोसने लगी। इसमें दो से दो सखियां ज्यादा ही थी, एक बूढ़ी औरत थी वृषभानपुर की बूढ़ी औरत थी और एक थी उसकी सहेली, उसका नाम था विशाखा। वो कभी भी राधा से कहती थी तू तो बहुत खराब तो पतिव्रता नहीं कहलाने के लायक है और ये बात फैलते फैलते गोकुल मथुरा सब तरफ गई और राधा को सभी लोग कोसने लगे, लेकिन राधा अपनी दीवान थी, अपने कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी। बाद में एक दिन ये बात बढ़ते बढ़ते हुए इतनी बढ़ी कि राधा रोने लगी और जब एक बार एकांत में कृष्ण के साथ मिली तो कालिंदी नदी के पास कृष्ण को उसने कहा कि लोग सब लोग मुझे इस तरह कोसते हैं कि मैं शादी होने के बाद भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ और मेरे से मैं सती होने के लायक नहीं हूँ और मेरा ये प्रेम प्रेम नहीं है, वही सच्चे प्रेमी है, वही पतिव्रता है और सती है, ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा राधे तेरा और मेरा ये संबंध इस जन्म का नहीं है, तो शापग्रस्त होने के कारण इस बार तूने दूसरे पति से शादी की, लेकिन तेरा और मेरा प्रेम का संबंध कोई इसको रोक नहीं सकता, प्रेम सतीत्व से ज्यादा होता है। तो राधा ने कहा मैं इसके लिए नहीं डर रही हूँ कि मैं मुझे
कोसा जा रहा है, मुझे निंदा किया जा रहा है, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे अच्छी तरह नहीं देख रहे, इसलिए मैं नहीं डर रही हूँ, मैं केवल इसलिए कह रही हूँ कि हे कृष्ण मेरे कारण तू बदनाम हो रहा है, इसका मुझे बहुत ही बहुत दुख हो रहा है। हे कृष्ण मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं तू मेरे साथ बदनाम हो, मैं चाहती हूँ कि तेरी कीर्ति संसार भर में फैले, मैं दूर हो जाना चाहती हूँ। लेकिन तो कृष्ण कहा तू दूर होने की बात करती है, जैसे ही राधा ने कहा कि मैं दूर हो जाती हूँ, कृष्ण मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित हुए ये बात सारे नंद गोकुल में नंद में यशोदानंद जी के पास चली गई। राधा घबरा गई और भाग गई, राधा भाग गई ये कहते हुए कि कृष्ण मूर्छित हो गए हैं। जब राधा ने केवल ये बात कहा कि मैं तुझे तू मेरे से मैं तेरे से दूर रहना चाहती हूँ क्योंकि तू मेरे से बदनाम होता है, तो कृष्ण मूर्छित हो गए, गिरे। तो जब मूर्छित हो गए तो वहां से नारद जा रहे थे, देखा वाह योग माया भगवान श्री कृष्ण तेरी माया तू जाने क्यों मूर्छित हो गया, राधा से इतना प्रेम करने वाला तू मूर्छित हो गया क्यों। यशोदा भागते हुए आए, नंद भागते हुए आए, सभी लोग गोकुल के लोग आए, व्रज में सत्र डंगोरा पड़ गया कि व्रज नंदन कृष्ण भगवान मूर्छित हो गए हैं, उनको क्या रोग हो गया ये पता नहीं, क्योंकि राधा तब तक भाग गई थी। आए नोड़े नाड़ी देखी गई, सब लोगों ने देखा कि मूर्छा से बाहर आने वाले नहीं, सभी लोगों ने एक वैद्य को ढूंढ रहे थे, सभी वैद्यों ने कहा इस मूर्छा का रोग हमें पता नहीं, क्या रोग हुआ है ये हमें पता नहीं। एक दिव्य वैद्य वहां से आया, जंगल से आया और कहा कि मैं कृष्ण को ठीक कर सकता हूँ, मेरे में एक ज्ञान है। उन्होंने कहा, माता यशोदा ने कहा कि जो भी मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, तू किसी भी तरह मेरे कृष्ण को उठा दे जो मूर्छित हो गया है, किसी भी तरह कर, क्या भी चाहता है तू, जो चाहता है वो दूंगी माँ, तुझे चिंता करने की बात नहीं, बस मैं जो कहता हूँ तू वो कर, वो बात ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करनी है, कि कृष्ण को नर्मदा के किनारे ले जाना है, नर्मदा के किनारे यहाँ से, हाँ वो नर्मदा के किनारे ले जाने के बाद भी मैं कर सकता हूँ, नर्मदा के किनारे कृष्ण को ले जाऊँ, सारा व्रज नर्मदा के किनारे आ गया। वहाँ उस वैद्य ने कहा कि मैं यहाँ एक बात एक विशिष्ट रूप से इसकी वैदिकी करना है, कृष्ण को मूर्छित उठाना है, तो मुझे एक बात बता देता हूँ मैं आपको, सुनो, एक कलसी ला लो, कलसी आप जानते हैं कलश से कहते हैं, कलश कहते हैं, ऐसी कलसी ला लो, इस कलसी से जो कोई भी मैं जिस विधि से पानी करता हूँ उस विधि से नर्मदा से पानी लाकर अगर कृष्ण के ऊपर हम छिड़कते हैं तो कृष्ण मूर्छा से बाहर आ जाएंगे और ये रोग उन्हें कभी सताएगा नहीं। लेकिन उसके लिए सती चाहिए, कोई भी सती स्त्री ही आकर उस कलश के पानी से ले आए। अब सारे लोग वर से भाग किया है, अब सभी लोगों को ये चिंता लगी, तो यशोदा ने कहा भैया मैं सती हूँ, मैं तो मेरी माता नहीं चलती इसके लिए, तुम स्वयं माता हो, माता का स्थिति तो इसके लिए काम नहीं आता, कोई ऐसी स्त्री हो जो तुम्हारे से संबंध नहीं रखती, ऐसी स्त्री चाहिए। तो विशाखा और उस बूढ़ी स्त्री को बहुत गर्व था कि हम सती है और राधा सती नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई भी सती आ जाए और मैं जिस विधि से कहता हूँ उस विधि से कर। उन्होंने कहा क्या विधि है, उन्होंने कृष्ण के दो तीन बाल निकाले और बाल निकालकर उसकी एक बड़ी डोरी बनाई, बड़ी लंबी डोरी बनाई और एक नौका से जो नर्मदा में बह रही थी उस नौका को बांधा और एक दूसरी छोर पर बांध दिया और कहा कि मैं एक कलश लेके आओ। उस कलश को उन्होंने 16,000 छिद्र किए, छोटे एक सोने की काड़ी से 16,000 छिद्र किए और कहा जो भी सती स्त्री है इस बाल पर से चलते हुए नर्मदा के किनारे तीन बार इधर से आए और इस कलश में पानी भरकर आकर कृष्ण पर जो छिड़क दें कृष्ण उठ जाएंगे। यशोदा रोने लगी, अरे भाई ये असंभव बात कोई है, ऐसा कोई हो सकता है कभी, बाल पर चढ़ने वाले कोई है। तो वो वैद्य कहता है माता सती स्त्री तो आकाश में उड़ सकती है, सती स्त्री तो पानी पर चढ़ सकती है, सती स्त्री अग्नि में कूद सकती है, सती स्त्री की तो महिमा आप जानते ही नहीं, जो भी सती है आ सकती है। अब वो ठुमाते हुए वो विशाखा आ गई और कहने लगी मैं सती, उसको गर्व था, अरे वाह आप तो सती हैं, आप आ जाएंगे जरा बाल पर चढ़ के चलते हुए कलसी को ले जाकर आ जाएंगे। उन्हें जैसा ही बाल पर पौन अगर ढंग बिलकर ढक गई नीचे गिर गई, सब लोग उसको अपने सतीत्व का होश आया कि मैं सती नहीं और वो वहां से कहेगी ये सब ढोंग है, बदमाशी के कारण किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बाल पर चल नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो चलेगी वापस।
उतने में वो बुढ़िया बुढ़िया करके लगी, मैं सती हूँ, मैं चल के चला। उसने कदम डालना था, उसको तो बाल ही नहीं दिखा, कहाँ बाल है वो सर, तो जहाँ की रस्सी बनी हुई वही नहीं दिखा। अरे मैं ये नहीं दिख रहा है, अरे तू सती है तो बाल क्या, बाल का खाल भी दिखेगा, तू पाँव तरफ दे। उसने वो देखा, उसको बाल नहीं दिखा और वो भी गिर गई और चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, वो भी वहां से चली गई। बाद में ये बात पहुंचते पहुंचते राधा के कानों में गिरी कि कृष्ण मूर्छित हो गए, अभी उठ नहीं रहे हैं और वो मूर्छित हो गए। एक वैद्य आया है और उसने एक बात कही है कि जो इस बाल पर चढ़कर जाकर कलसी में पानी लाते हैं वो कृष्ण को उठा सकेंगे। राधा आई, कृष्ण कृष्ण करते हुए आई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नर्मदा में पड़कर मर जाऊंगा, इससे क्या ज्यादा हुआ। और उसने उस बाल पर पांव रखा, जैसे ही गई वो उस बाल पर चढ़ते हुए गई, पीछे मुड़ के देखा, दूसरी बार चली, तीसरी बार चलते हुए आई। ये जो दोनों लोग थे वो लोग देखने लगी और कलश में पानी उसने भर लिया और आई और कृष्ण पर उसकी धारा छोड़ती गई। जैसा ही उस घगरी से जो 16,000 छिद्र थे उससे धाराएं कृष्ण पर पड़ी तो कृष्ण उठे और देखते हैं तो राधा, तभी कृष्ण उठ जाने से वो कहां गएंगे कि तू कहां गई, फिर आगे मेरे को पकड़ लेंगे। राधा ने उसको उस घगरी को उस कलश को वहीं रखा और भाग के खड़ी हो गई। सभी लोगों ने राधा को पुष्प वर्षा हुई भगवान ने और राधा की सतीत्व की अवतारी बहुत प्रशंसा की। तो कृष्ण वहां से उठे और कहने लगे कि मुझे धारा 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 कहने लगे, यानी उस कलशी की धारा, वो धारा धारा राधा हो गया। आप धारा धारा कहते रहो ना, राधा राधा हो जाएगा। तो राधा राधा कहने लगे, धारा धारा कहने लगे और उन्होंने कहा कि राधा वहां शुभान पुत्री। राधा वहां से जा रहे थे और उनके पीछे भागते हुए गए और जब उन्होंने देखा कि राधा जा रही है तो राधा से कहा कि ये राधा अब कह दे कि कौन सती है। सभी लोगों ने नीचे सर मुड़ एक डालकर कहा कि राधा ही सती है और वह कार्य भी इस सौभाग्य सुंदरी देवी की आराधना करने वाली राधा से यही हुआ था। और यह वही कथा है जहां राधा ने इस पवित्रता सती को प्राप्त किया था। जबकि कहते हैं कि एक पति होकर छोड़ने के बाद, एक पति को छोड़ने के बाद राधा की पहली शादी हो गई थी और कृष्ण से प्रेम कर रही थी। अब आप सभी की नजर में तो सती नहीं कहलाती, लेकिन प्रेम सच्चा हो तो वह सतीत्व कहलाता है। सच्चा प्रेम ही सतीत्व है, यह राधा ने बता दिया था और वो छोटी सी त्रिपुर सुंदरी के पास इस साधना के माध्यम से उन्होंने इस को करके बता दिया था कि राधा मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। जब ये बात हुई कृष्ण ने उनके सतीत्व का उदाहरण दे दिया और बता दिया। सभी लोगों ने उस दिन से राधा को ये बात कहते हुए छेड़ना, ये बात कहते हुए निंदा करना, इन बातों को उन्होंने उस दिन से छोड़ दिया और राधा कृष्ण की वह जोड़ी इस संसार में अमर हो गई। आप इस बात को सभी लोग जानते हैं और वह भी सौभाग्य सुंदरी की कथा है जहाँ ये महान कहलाने लगे। इसके बाद एक विशेष स्थान ये था कि आपको सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण कौरव पांडवों के युद्ध में एक बार रायबार करने के लिए, यानी उनकी संधि करने के लिए आए थे और कौरवों को समझाने के लिए आए थे कि भाई युद्ध ना करो तो ठीक है, सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन दुर्योधन थे जो मान नहीं रहे थे, लेकिन संधि की बात करने जब आते हैं तो कौन से भी पक्ष में खाना नहीं खाना चाहिए। तब बिना पक्ष या कोई पक्षपात नहीं करने वाले एक ही आदमी उस हस्तिनापुर में बचे थे, वो थे विदुर और विदुर की पत्नी। तब कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो पांडव खाना खाने को बुलाएंगे या इधर कौरव बुलाएंगे। दोनों ने थालियां परोस के रखी थी, कृष्ण को बुलाने जा रहे थे। और कहीं भी जाता हूँ तो वो पक्षपात कहलाएगा क्योंकि मैं संधि करने के लिए आया हूँ, यहाँ तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आप ये लोग खाना खाने के बुलाने से पहले कि मैं ना कहूं, कृष्ण ने पहले ही कहा भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। और विदुर को कहा कि विदुर मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। विदुर ये बात कहकर के अपने पत्नी को ये बात बता देते कि कृष्ण खाना खाने का एक दूत को भेजा और कहा कि कृष्ण अपने घर खाना खाने आ रहे। तब विदुर पत्नी स्नान कर रही थी और कृष्ण विदुर जब तक सारी चीजें कुछ बटोर लेकर साहित्य ले जाएंगे, एक करने के लिए विदुर गए और दूत ये बात बोल के बाहर गया और तब तक स्नान करके मैं कृष्ण बुलाऊंगी, तब तक कृष्ण घर पे पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। देखा कि विदुर पत्नी नहा रही थी, वो जैसा ही सुना कि दरवाजा खटखटाया, कौन, उसने कहा, उन्होंने कहा मैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं वो जिस अवतार में थी वैसी ही अवतार में बाहर आई, उनके कपड़ों का सुध भी नहीं रही कि कृष्ण मेरे घर आए।
वो भागते हुए आई, कृष्ण के सामने बैठ गई। कृष्ण ने कहा, चाची बहुत भूख लगी है। जैसा ही उन्हें भूख लगी, कहा उन्होंने देखा कुछ नहीं, केले केले रखे हुए थे। उन्होंने दिखा केले, केले को ले लिया। जल्दी जल्दी चाची, जल्दी खिलाओ। चाची ने केले निकाले, गुदा था वो फेंक दिया और उसका छिलका कृष्ण को खिलाने लगे। कृष्ण भी बड़े चाव के साथ छिलके खाने लगे और उसके ऊपर ये बीज बीज का गुदा बाहर फेंक दिया गया। अब देखते क्या है कि वो कृष्ण खाते गए, वो खिलाती गई, कृष्ण को ताकती गई। कृष्ण के प्रेम में वो और अपनी चाची के प्रेम में कृष्ण दोनों मग्न थे। उतने में विदुर बाहर से आया, दरवाजा खोल के, अरे ये क्या कर रही है, तेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं है, तो कृष्ण को क्या खिला रही है, मूर्ख हो गई है क्या, क्या खिला रही है, देख। उसने देखा, अपनी जब उसको भान आया कि अपने शरीर पे कपड़े नहीं, वो भाग के चली गई। कृष्ण ने कहा कि विदुर तुम कब आए? अरे उसने कहा अभी आया, तुम कृष्ण देख रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, या तो कपड़े पहन के, मैं तब तक केले खिलाता हूँ। विदुर आए और उन्होंने छिलका बाहर निकाला और गुदा खाने को दिया। तो कृष्ण ने कहा अभी तक जो खाया था उसमें बहुत मिठास था, ये केले ठीक नहीं है। अभी तब विदुर को पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उनके दोनों के प्रेम में मैं अनावश्यक रूप में बीच में आया और उस प्रेम को जो भूख मिटा रहे थे, उसकी भूख मिटाने से कृष्ण का अब केले नहीं खाऊंगा, वही अच्छे थे जो वो चाची खिला रही थी। उस प्रेम को देखने के बाद विदुर ने कहा कि हे प्रभु, अब तक तुम छिलके खा रहे थे, केले नहीं खा रहे थे। हे प्रभु, विदुर चाचा मैं तुम्हें क्या बताऊं, प्रेम में क्या खिलाया जाता है इसका ज्ञान किसी को नहीं होता। मैं तुम्हें कहता हूं, वो प्रेम में छिलके खिला रही थी, तुम्हें लगा, लेकिन मुझे तो अमृत से भी ज्यादा स्वाद लग रहा था। तुम जब खिलाने गए तो कुछ नहीं हुआ, वो प्रेम में क्या खिलाती है इसका पता नहीं चलता। कृष्ण ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि प्रभु, वो नंगी बैठी थी, तुम्हें पता नहीं चला। कृष्ण प्रेम में नंगा और कोई नहीं होता, केवल वहाँ होता है धूत। मन का अच्छा होना ही धूत का, धूत वस्त्र का मतलब होता है स्वच्छ होना, अवधूत का मतलब होता है पूर्ण तरीके से शरीर से शुद्ध होना। वो अपने मस्तिष्क शरीर सारे उसके ऊपर कपड़ों का आवरण कुछ भी काम नहीं करता, वो स्वच्छ आसमान की तरह होता है। जब बरसता है तो संसार में फल फूलने लगते हैं, अन्न से सब लोग नाचने लगते हैं, उसे अवधूत कहा गया है। उस अवधूत स्त्री के रूप में जब कृष्ण के साथ बैठी हुई, तो कृष्ण ने कहा कि वो अवधूत स्त्री चाची बैठी हुई थी, मुझे उसका ज्ञान भी नहीं था कि वो कपड़े पहने हुए नहीं है। जिस प्रेम के कारण उसने जो खिलाया था मैंने खाया, तो उसने कहा कि प्रभु, मैं इतने आकर तुम्हारे प्रेम के बीच में अटका, तो कहा कि तुम्हें पता नहीं विदुर, चाची ने एक जमाने में एक बार केवल एक फूल चढ़ाते हुए सौभाग्य सुंदरी का कवच एक बार पड़ा था, उसी का यह पुण्य है कि मैं चाची के हाथ खाना खाने के लिए भाग के आया। केवल एक फूल चढ़ाने से विदुर की पत्नी चाची का इतना श्रेष्ठता है, तो नर्मदा के किनारे रहने वाले गुजरात वालों का कितना भाग्य होगा जो फूल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। तो हम कल उस सौभाग्य सुंदरी के पास जा रहे हैं जिसमें जहां हमें उस विशिष्ट साधना को करना है, चाहे एक घंटे का समय हो या दो घंटे का, आप समय आप निकाले। मैं तो वहां उतनी दूर से बस इसको सुनकर ही भाग के आया हूं। अब हमारे जीवन में कृष्ण कब खाना खाने आएंगे या कौन सी देवता हमारे पास आएंगे, बात हम तो सौभाग्य सुंदरी की आराधना उस कवच के माध्यम से करेंगे जो आज तक गुप्त था, न आज तक किसी को मालूम है। उस कवच को लेके ही आया हूं क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर सिमाली संग्रेश स्वामी कृष्ण जी का शिष्य हूँ, तो ढूंढता जरूर हूँ कि कौन सी साधना कहाँ करनी चाहिए। ऐसे पुत्र प्राप्ति की साधना करते हुए यहाँ की श्रेष्ठता प्राप्त करना तो है ही है। हम कल उस तीन साधनाओं को करने नर्मदा के किनारे जाएंगे ही जाएंगे। अब रही बात वशिष्ठ जी से और मनुभाई से, और मसद लाल भाई भी हैं, और यहाँ के सीनियर जितने भी पंड्याल भाई भी हैं, उनसे दो बातें मैं सुनना चाहता हूँ, बाद में सुनाऊंगा। नर्मदा को, नर्मदा नदी को वह नाम नर्मदा क्यों आया, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ प्रभा देवी का मंदिर है ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। अब प्रभा देवी का मंदिर यहाँ क्यों है उनके माध्यम से सुनना चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं, बाद में मैं आपको सुनाऊंगा। आपको विचार करने के लिए 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक शिवाजी एक अच्छा सा भजन सुना दो, इनको बाद में बुलाता हूँ स्टेज पे। वशिष्ठ जी के साथ ये सब लोग प्रभा देवी के उस कथन को और हमें नर्मदा का नाम नर्मदा क्यों पड़ा ये सुनाएंगे। बोलो परम पूज्य संत गुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुपुत्र गुरुदेव की, सब सिद्धाश्रम की, सब सिद्धाश्रम धारक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। मेरा
कभी भी कथन यहाँ रहा है, जहाँ भी तीस तीर्थ स्थल पे जाते हैं उस क्षेत्र की महिमा, हम आम के झाड़ के नीचे जाकर जाम को चाहे तो जाम नहीं मिलता, जिस क्षेत्र में जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र की महिमा जाने तो ही हमें उसका फल मिलता है। अगर मैं वशिष्ठ जी के घर जाऊँ और सामने खड़े रहूँ और कहूँ कि भाई मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तो वशिष्ठ जी पहला ये प्रश्न करेंगे आप कौन है, फिर इंक्वायरी करेंगे आप कहाँ से आए क्या नहीं ये सब। अगर मैं यही बात कहूँ कि वशिष्ठ जी मैं मथुरा से आया हूँ, मैं आपके महेश भाई को जानता हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, तो आइए आइए अंदर गए। बाद में अगर मैं उनके फायदे की बात करता हूँ तो पूरी देर खाना खिलाएंगे, नहीं तो चाय पिला के भेज देंगे। तो इसी तरह हम किसी देवता या क्षेत्र में जाते हैं तो उस देवता के बारे में मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो अभी समझो यही मनु भाई के घर में गया, खड़े रहा सामने, मनु भाई मैं आया हूँ, तो कहे भाई आप कौन है, पहले तो सगे में समझेंगे कि भाई तू जा, बहुत से लोग आते हैं भिखारी समझेंगे। अगर मैं बताऊंगा कि उनको नहीं नहीं भाई मैं मोहनलाल सेठ ने भेजा है मुझे, उनके तरफ से आया हूँ और उन्होंने कहा है, तो अंदर बुलाएं। उसी तरह जिस देवता के पास जाते हैं उस देवता का ज्ञान ना हो हमें, नर्मदा में डूबकी तो परशु भी लगाते हैं हम भी लगाते हैं, नर्मदा का ज्ञान हो और लगाते हैं तो उसका ज्ञान हमें उसे प्राप्त होगा। व्यास महर्षि इतनी दूर से आकर यहाँ व्यासेश्वर में स्नान करके और नर्मदा नदी के किनारे हम रहते हैं, पता नहीं हम उसमें गंदगी छोड़ते हैं, तो हमें वो पुण्य नहीं मिलता जो उन्हें पुण्य मिल रहा है जो उतनी दूर से आते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की महिमा को जाने, उस क्षेत्र की श्रेष्ठता को जाने, तब अगर उन्हें उनके इच्छा के अनुसार अगर हम कल व्यासेश्वर को श्रीखंड लगाते हैं तो हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारी इच्छा पूर्ण होती आई, हम स्वयं सौभाग्य सुंदरी देवी को हम उसके माध्यम से पूजा करेंगे तो कहेंगे ये मेरे पहचान वाला है, ये उसके गुरु के साथ है जिसने कहा है कि मैं डॉक्टर नारायण केमाली जी का शिष्य हूँ, स्वामी नित्यानंद का शिष्य हूँ, माँ सौभाग्य सुंदरी है व्यासेश्वर जी मैं आपके पास आया हूँ, आपका मंत्र जानता हूँ। अरे आ कहेगी आशीर्वाद देगी, नहीं आया हूँ तो आशीर्वाद नहीं देगी, है ना। तो इसी तरह हम अगर पहचान कर जाते हैं तो वहां हम उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लायक बनते हैं। अब आगे अभी मैं जिन जिन का नाम लिया हूं वो लोग आपको प्रभा देवी के मंदिर के बारे में और नर्मदा के मंदिर के बारे में बताएंगे, उससे पहले एक भजन होगा और शिवाजी अच्छा सा भजन सुना दें, उनको 15 मिनट का समय दे रहा हूं।